नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य कुमार वत्स। सभी को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो चल रहा है वो मनुष्य के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि अभी जल्दी ही एक तूफान जो गुजरा है, जो चक्रवात था ताऊते और उसके बाद व्यास, और जो सबसे बड़ी दुखद समस्या इस समय मनुष्य के सामने है वो कोरोना संकट है। आप सभी ने लगभग अपने आसपास के कुछ ना कुछ लोगों को खोया होगा। ये बहुत ही दुखद विषय है और जैसा कि आप देख रहे हैं इस महामारी में मानव बहुत ही दुर्बल नजर आ रहा है। तो एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर मैंने सोचा कि मैं आपसे संपर्क करूं और बताऊं कि हाँ मैं ठीक ठाक हूं, इसलिए मैं आज फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि आजकल मीडिया के थ्रू और बाबा रामदेव को टारगेट किया जा रहा है और उसके खिलाफ जो लॉबी नजर आ रही है वो आयुर्वेदिक है। इस महामारी के दौरान हमें सब डिस्कस करना बहुत ही गलत समय हमने सेलेक्ट किया है। इन सब बातों को हमें बात करने के लिए हम कुछ और समय ले सकते थे, चाहे वो आईएमए रहा हो, चाहे बाबा रामदेव रहे हों, चाहे बाबा रामदेव के बड़बोलेपन ने आईएमए को उकसाया कि आप ऐसा करें। लेकिन ये मेरे हिसाब से मैं ठीक समय नहीं मानता हूँ जब हम इन सब विषयों पर चर्चा करें कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है या फिर एलोपैथी श्रेष्ठ है, जबकि हमको फोकस किस बात पर करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इस समय मानव समाज को बचाने के लिए या अपनों को खोने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो प्रिवेंशन चाहे वैक्सीन के थ्रू हो या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू, जहां से भी आपको लाभ मिल जाए या किसी का जीवन यदि बचाया जा सके, हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ मेन कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है। तो एज आयुर्वेदिक डॉक्टर मैंने सोचा कि मैं भी अपने कुछ व्यूज आपके सामने रखता हूँ जो साइंटिफिक व्यूज होने चाहिए। जैसे कि मैं आयुर्वेद के पार्ट को नहीं रखने आया हूँ, मैं दोनों आईएमए ने भी जो जवाब दिया है या आईएमए ने जो सवाल पूछा है उन पर भी कुछ जवाब दूंगा। बाबा रामदेव को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आयुर्वेद को सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बन जाती है एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर कि मैं आकर इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ जरूर बोलूँ। मेरे कहने का मतलब है, स्टार्टिंग में आईएमए ने जिस प्रकार पैसी बोला वर्ड यूज किया है आयुर्वेदिक ड्रग्स को लेकर, चाहे वो असुगंधा रहा हो, तुलसी रही हो या फिर गुलो गिलोय रही हो, ये पैसी बोला ड्रग्स नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आज वैक्सीन की बात की जा रही है तो अगर सही सही बात की जाए तो वैक्सीन आपको इम्यूनिटी दे रही है, रोग से लड़ने की क्षमता दे रही है। वैक्सीन भी कोई मेडिसिन नहीं है, एज ए मेडिसिन वैक्सीन नहीं है। तो ये भी एक आम जनमानस को पता चलना चाहिए कि आईएमए या फिर डब्ल्यूएचओ जो घोषणा कर रहा है उस घोषणा में और बाबा रामदेव की घोषणा में सिर्फ इतना फर्क है कि उन्होंने उसको इंग्लिश वर्जन में पेश किया है और बाबा रामदेव ने हिंदी वर्जन में पेश किया है। अगर आप कोरोना किट की बात करें तो जो पैरामीटर्स आपके कोवैक्सीन के लिए रखे गए थे अभी भी उसकी टेस्टिंग नहीं कंप्लीट हो पाई है। लगभग उसी कंडीशन में कोरोनिल थी पिछले साल जब वो लॉन्च की गई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी डेटा इकट्ठा किया गया बाबा रामदेव जैसा दावा कर रहे हैं। यदि आईएमए को लगता है कि हाँ वो दावे फर्जी हैं तो आईएमए को जांच टीम भेजनी चाहिए। वो एक अपने लेवल से किया जा सकता था, पब्लिक स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। पब्लिक स्टंट करने का मतलब होता है यहाँ पर ये कि ये साफ दिखता है कि आईएमए एक इकोसिस्टम जो उसने बना रखा था ताकि अच्छा पैसा उससे जुड़े हुए लोग या फिर जो इंडियन डॉक्टर्स बना सकें। मैं सारे डॉक्टर्स की बात पर नहीं कर रहा, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो एमबीबीएस हैं और एलोपैथी से अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत सारे सर्जन हैं, मैं यहाँ पर नाम लेना सही नहीं सकूंगा, जिन्होंने मानव सेवा के लिए काम किया है। उन लोगों को हो सकता है ये वीडियो अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि वैक्सीन भी वही काम कर रही है, वही चैलेंज कर पा रही है कि आपको कोविड हो सकता है लगने के बाद भी, लेकिन आप सेफ जोन में रहेंगे। वही बात बाबा रामदेव कोरोना के जरिए कर रहे हैं। तो काम करने को का अधिकार सभी का है, चाहे वो किसी भी साइंस का हो। और जो डॉक्टर्स, मेरा एलोपैथी डॉक्टर से नमस्कार होगा और उनसे एक निवेदन होगा कि वो ये जो तीन चार वर्ड जमीन पर फैलाए गए वो इन्हीं डॉक्टर्स के द्वारा भेजे गए, जैसे बीएमएस जोड़ा साहब डॉक्टर होता है ये कहने की बात, और चूरन चटनी में कुछ नहीं रखा है, ये चूरन बेचने वाला कोई डॉक्टर तो ऐसा कहेगा नहीं। और ये सब कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक किया गया, इन सब शब्द को भी ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि हम दोनों आयुर्वेदिक साइंस या फिर एलोपैथिक साइंस वाले मिलकर के इस समय क्या हल दे सकते हैं समाज के लिए। अभी आप बहुत सारे केसेस में देखते होंगे जब प्लेटलेट घट जाता है उस समय पपीते की पत्ती का ताजा जूस एक पेशेंट को 2 से 3 बार दिया जाए में तो उसको फायदा होने के चांसेस होते हैं। बकरी का दूध भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हम अगर अच्छे से इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन के साथ भी अगर इन तीन आयुर्वेद के दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की कंडीशन ना पैदा हो तो मरीज को थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो हमें उस तरफ सोचना चाहिए, कंबाइन होकर के हमें एक मिक्सोपैथी नाम ना देके हमको ये सोचना चाहिए कि द पैथी टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, हमको कुछ ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा, बस इतना बताना चाहूंगा कि कोरोनिल हो, बाबा रामदेव की उन सब डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाए आईएमए, लेकिन उसका पब्लिक स्टैंड करने की जरूरत नहीं है कि ये पब्लिक को गलत मैसेज जाए कि आयुर्वेद बहुत बुरा साइंस है या आयुर्वेद एक स्यूडो साइंस है। जो ये वर्ड स्यूडो साइंस, ये इंसल्ट लगता है, क्योंकि आपके साथ का ही वही बच्चा जो 4 से 10 नंबर से आपके प्री मेडिकल एग्जाम्स में पीछे रह गया और उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे और बाद में वो बीएमएस करके आता है
और उसने भी लगन से पढ़ाई की है, कॉलेजेस फेक नहीं होते हैं, सारी इंडस्ट्रीज उसको मॉनिटर करती हैं और उस सिलेबस को पास आउट करता है, फिर एज ए वैद्य ही समझ लीजिए वो सोसाइटी में काम करने के लिए आता है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर्स ही वैद्या को बेवकूफ़ बताएंगे और खुद को सुपीरियर बताएंगे, या वैद्या भी खुद को सुपीरियर बताएंगे और डॉक्टर्स को कन्फ्यूज या कुछ ऐसे वर्ड यूज करेंगे, तो वो अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। तो हमें एज ए ह्यूमन बींग, और जैसा कि पब्लिक इंडियन पब्लिक आपके लिए देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे तरह तरह के तरी मिट्टी में मिल जाओ, ताली थाली बजाई, तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। एक सेंसिबल इंडियन की तरह हमें काम करना चाहिए, जो हमारी संस्कृति में है। हम लोगों को आपस में मसले हमारे सॉल्व होते रहेंगे, डिस्कशन होते रहेंगे, डिबेट्स होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल COVID-19 जिस तरह से भगवान की दया से फिलहाल अभी डाउन हो रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि और भी कम हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक।